जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। दोस्तों, जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियोस में कमेंट किया था कि आपको कारक पे वीडियो चाहिए, तो आज के इस वीडियो में हम लोग कारक पे बातचीत करने वाले हैं। तो ये सारे कंटेंट जो है ये हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहां भी इसे रीड कर सकते हैं। और आपको इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मिलेगा, उस लिंक से आप वेबसाइट पे आकर रीड कर सकते हैं। अब आइए कारक पे बात करते हैं। कारक होता क्या है, कारक का क्या मतलब होता है? तो कारक वे शब्द या शब्दांश होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम का जो रिलेशन होता है वह क्रिया के साथ बताते हैं। किसका रिलेशन किसके साथ? संज्ञा या सर्वनाम, इनका रिलेशन बताते हैं आपको क्रिया के साथ। कोई भी क्रिया हो रही है तो उसके साथ जो है संज्ञा या सर्वनाम का रिलेशन बताता है, उसे कहा जाता है कारक। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, लिखा गया कि वाक्य संदर्भ में किसी वाक्य मुहावरा या वाक्यांश में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ जो संबंध बताता है वह कारक कहलाता है। ओके, तो यहां पर साफ साफ दिया गया, आप इसे देख सकते हैं। तो कारक शब्दों में दो प्रकार से जुड़े होते हैं, या तो अंत में जुड़े होते हैं या फिर शब्दों के विकार में जुड़े होते हैं। यदि शब्द के विकार की बात की जाए तो आप यहां देख सकते हैं, लड़का में एकार जोड़ दिया गया तो लड़का से लड़के हो गया। फिर इसमें मैं से मुझको, तो ये जो है विकार उत्पन्न करते हैं। एवं अंत में बात करें जैसे गाय को, यहाँ पर को जो है यह अंत में जोड़ा गया है। वृक्ष से, तो यहाँ से देखिए यह अंत में जोड़ा गया है। जैसे कि राम का हो गया, तो राम का से क्या होता है कि ये जो समान है यह राम का है। इन वाक्यांश से क्या होता है कि एक क्रिया का जो है संज्ञा या सर्वनाम से बोध कराता है, तो उसे हम कारक कहते हैं। ओके, तो ये आगे देखते हैं कि कारक के कितने प्रकार होते हैं। अब बात की जाए कि कारक के प्रकार, तो कारक के कुल 8 प्रकार होते हैं हिंदी में। आप यहां देख सकते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। अब कर्ता में क्या होता है, कर्ता कारक जो होता है उसमें ने जुड़ा होता है, कर्ता ने, कर्म कारक कर्म को, इसमें को जुड़ा होगा। करण में क्या होता है कि करण में से के साथ या द्वारा जुड़ा होता है। संप्रदान को के लिए होता है। आपादान से, इसमें क्या होता है कि आपादान में क्या होता है, कोई चीज अलग किया जाता है। तो आपादान, जैसे कि आपको बता दूं कि दूध से पानी को निकालना, दूध से पानी को निकालना, तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर दूध से, यहां पर रिलेशन बता रहा है। अब यहां पर क्या किया जाए, पृथक किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है, तो ये क्या होगा, हमारा आपादान कारक होगा। नेक्स्ट है संबंध। संबंध में क्या होता है, का के की रारे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे अहो ओजी, तो इस प्रकार से ये होते हैं। अब जैसे कि यदि संस्कृत में बात की जाए तो संस्कृत में प्रथमा होती है, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, तो इस प्रकार से संस्कृत में होता है। और हिंदी में ये 8 होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। इसको आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे अहो अजी, ये सब यूज किए जाते हैं। ओके, तो इस प्रकार से कारक के 8 भेद हो गए हिंदी में, और संस्कृत में भी 8 होते हैं। अब बात करते हैं कर्ता कारक के बारे में। कर्ता कारक क्या होता है, कर्ता कारक में क्या होता है कि जिस रूप से क्रिया कराने वाले का बोध होता है, जो व्यक्ति कार्य कर रहा होता है यदि उसका बोध हो तो वह कहलाता है कर्ता कारक। आप यहां देख सकते हैं, राम ने रावण को मारा, यहां पर ने जो है कर्ता कारक हो गया कि राम ने रावण को मारा। लड़का स्कूल जाता है या लड़की स्कूल जाती है, तो यहाँ पर क्या है, ने चिन्ह प्रयोग में लाया गया है। कर्ता कारक कौन हो गया, तो राम जो हो गया वह कर्ता कारक हो गए। ओके, अब इसमें क्या होता है कि इसमें तो या तो हम ने चिन्ह का प्रयोग करते हैं या का चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और इसमें जो है सकर्मक धातुओं का भूतकालों में प्रयोग होता है। ठीक है, अब भूतकाल में देखिए अकर्मक क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है, वर्तमान व भविष्य काल में सकर्मक क्रिया होती है। तो आइए इसको बताते हैं कि यदि विशेषण की बात की जाए तो भूतकाल में अकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ में प्रसर्ग मतलब व्यक्ति नहीं लगती है, जैसे वह हंसा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको फुल्ली एक्सप्लेन किया गया, तो आप वेबसाइट पे आइए, रीड कीजिए और आसानी से आप सीख सकते हैं। सेकेंड दिया गया है कि वर्तमान व भविष्य काल की सकर्मक क्रिया के साथ कर्ता के साथ प्रसर्ग का प्रयोग नहीं होता, जैसे वह फल खाता है वह फल खाएगा, तो यहाँ पर प्रसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया, मतलब व्यक्ति चिन्ह नहीं लगी। नेक्स्ट है कि कभी कभी कर्ता के साथ को तथा सौ का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे आप देख सकते हैं कि बालक को सो जाना चाहिए, को के साथ सो भी यूज किया गया। सेकेंड दिया गया, सीता से पुस्तक पढ़ी गई। फिर देखिए नेक्स्ट, देखिए रोगी से चला भी नहीं जाता, तो ये क्या है कि ये अकर्मक क्रियाओं में आते हैं। तो इस प्रकार से जो है कर्ता कारक में भी से लगा होता है, और ये एक्सेप्शन है, जब विशेषण बनेगा तब ही लगेंगे। तो इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा कि जब विशेषण बनते हैं कर्ता कारक, तो उनमें इन चीजों का प्रयोग किया जाता है।
कर्म कारक में क्या होता है, क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहा जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि परिभाषा साफ साफ शब्दों में दी गई है। एवं आइए अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो जैसे मोहन ने सांप को मारा, तो किसको मारा जा रहा है, तो सांप को मारा जा रहा, तो कर्म क्या हो जाएगा, सांप हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कर्ता ने कर्म को, तो को जिसके आगे लगा होगा वह हो जाएगा कर्म कारक, तो यहाँ पर सांप हो गया कर्म कारक। एवं सेकंड में देखिए यहाँ पर परसर्ग का प्रयोग किया गया, जैसे लड़की ने पत्र लिखा, तो पत्र लिखने का कार्य किया जाता है, तो कारक क्या करता है, तो कारक जो है वह संज्ञा एवं सर्वनाम का रिलेशन निकालता है, किससे, क्रिया से। तो पत्र लिखने का कार्य चल रहा है यहाँ पर, तो पत्र लिखा गया, तो पत्र क्या होगा यहाँ पर, तो पत्र यहाँ पर कर्म कारक हो गया। देखिए यहाँ पर दिया गया अतः पत्र जो है वह कर्म कारक है, क्योंकि इसके कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह नहीं लगी है और यह परसर्ग है। अब आइए आपको दिया गया है करण कारक, तो करण कारक में क्या होता है, तो करण कारक में साधन का बोध होता है, अर्थात जिसकी सहायता ली जाती है कार्य कराने में उसका बोध किया जाता है। जैसे अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा, तो मैंने क्या बताया आपको, कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पर से जो लगा हुआ बाण के बाद लगा हुआ है, इसका मतलब बाण जो हो गया आपका वह आपका करण कारक हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट दिया गया कि बालक गेंद से खेल रहा है, तो यहाँ पर करण कारक क्या हो गया, वह गेंद हो गया। तो यदि आपको वाक्य दिया जाए तो आप आसानी से जो है कारक ढूंढ सकते हो, तो मैक्सिमम कारक जो है वह आपको शब्द के बाद ही जो है मिलेगा। अब आपको नेक्स्ट दिया गया है संप्रदान कारक, तो संप्रदान कारक क्या होता है, तो संप्रदान कारक जिसमें कोई चीज देने का बोध कराता है, संप्रदान का मतलब ही होता है देना। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया कि संप्रदान का अर्थ है देना, तो अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है वह जो है व्यक्ति या संप्रदाय, तो उसे कहते हैं संप्रदान कारक। जैसे कि स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, तो जिस शब्द के बाद को लगा हुआ होगा वह कहलाएगा संप्रदान कारक, तो यहाँ पर सूर्य जो होगा यह संप्रदान कारक हो गया। अब नेक्स्ट देख सकते हैं कि गुरु जी को फल दो, तो गुरु जी को फल दो, फल किनको देना है, गुरु जी को देना, तो यहाँ पर क्या हो गया संप्रदान कारक, गुरु जी हो गए। अब आपादान कारक क्या होता है, इस संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु को दूसरी वस्तु से अलग किया जाता है या पृथक किया जाता है उसको आपादान कारक कहा जाता है, तो आपादान कारक में भी से का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि दूध से पानी को अलग करना, ठीक है, तो यहाँ पर क्या गया, पृथक किया गया। अब जैसे कि आप एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया कि बच्चा छत से गिरा, तो छत से बच्चे को पृथक किया गया, वह गिर गया वहां से दूर हो गया, तो यहाँ पर छत जो हो जाएगा वह आपादान कारक हो जाएगा। संगीता घोड़े से गिरी, तो कहाँ से गिरी, वह घोड़े से गिरी, इसलिए यहाँ पर आपादान कारक क्या होगा, तो घोड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से कर्ता कर्म करण संप्रदान आपादान हो गया। अब नेक्स्ट हमारा है संबंध कारक। आप सभी को पीडीएफ चाहिए होती है, तो पीडीएफ के लिए जो है आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वेबसाइट का, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं इस ऐप में आपको दो टैब्स दी गई है, एक आपको यूट्यूब पे ले जाएगा और वहां पे दी गई सारी वीडियोस बाय प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कराएगा, एवं सेकंड टैब जो है यह आपको ऑटोमेटिकली वेबसाइट पे ले जाएगा। आप यहां देख सकते हैं जैसे कि सबसे जीडी, आरपीएफ, करंट अफेयर्स, पीडीएफ के बुक्स एवं इंडियन आर्मी के पीडीएफ, तो सारे पीडीएफ अपलोड किए जाते हैं। आप जिस पे क्लिक करेंगे आपको वहां पर ले जाया जाएगा। जैसे मैंने इंडियन आर्मी पे क्लिक किया तो आप यहां देख सकते हैं इंडियन आर्मी के पीडीएफ यहां पर प्रोवाइड किए गए हैं, तो यहां पर इंडियन आर्मी के पीडीएफ हो गए। इसी प्रकार आप जो है यहां पर ये सिलेक्ट करके आप अगर आरपीएफ सिलेक्ट करते हो तो आप आरपीएफ के पीडीएफ जो भी प्रोवाइड किए गए हैं उस पर चले जाएंगे। यदि आपको सबसे जीडी की पीडीएफ चाहिए तो सबसे जीडी पे आप क्लिक करो, आप जो है सबसे जीडी के वेबसाइट पे चले जाओगे, वहां पर आपको सारी पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर के पीडीएफ्स एवं जो भी प्रैक्टिस सेट डाली जाती है तो सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएगी आपको। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप वहां से इंस्टॉल कर सकते हैं। यदि एक बार इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको बार बार वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एप्लीकेशन से इसे कंट्रोल कर सकते हैं और पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है संबंध कारक, तो संबंध कारक क्या होता है, तो संबंध कारक वैसे कारक है जिसमें अंतिम में का के की रारे री लगा रहेगा। आप यहां देख सकते हैं यहां पर दिया गया है कि इसका विभक्ति चिन्ह जो होता है वह काके की रारे री लगा होता है। इसमें क्या होता है कि शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरे वस्तु से संबंध प्रकट होता है तो उसको संबंध कारक कहते हैं। अब आइए हम एग्जांपल आपको दिखाते हैं और यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पे। तो आप देखिए जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि यह राधे श्याम का बेटा है, यह किसका बेटा है, तो राधे श्याम का बेटा है, और इसका रिलेशन किससे बनता है, तो यहाँ पर का यूज किया गया है, तो संबंध कारक क्या हो गया, राधे श्याम। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यह कमला की गाय है, तो यहाँ पर संबंध कारक किसके साथ दिया गया है, तो कमला की। ओके, तो की के पीछे जो हो गई वह संबंध कारक हो गई। नेक्स्ट है कि इन दोनों वाक्य में आप देख सकते हैं कि राधे श्याम का बेटा और कमला का गाय, तो इससे संबंध प्रकट होता है, अतः यहाँ पर संबंध कारक प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट आपको दिया गया है अधिकरण कारक, तो अधिकरण कारक में क्या होता है कि शब्द के जिस रूप से
क्रिया के आधार का बोध होता है, तो उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। और इसमें विभक्ति में कौन सा चिन्ह लगा होता है, तो इसमें मे पर यूज किया जाता है। जैसे भंवरा फूलों पर मडरा रहे हैं, तो यहाँ पर का प्रयोग किया जो कि अधिकरण कारक है। नेक्स्ट है कि कमरे में टीवी रखा है, तो टीवी कहाँ रखा है, कमरे में रखा है, तो इस प्रकार से यहाँ पर अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है। अब लास्ट है आपका संबोधन। तो संबोधन में क्या होता है कि इसमें जैसे कि हम किसी को बुलाते हैं या फिर सोचते हैं या उसके प्रति भाव प्रकट करते हैं, तो उसका जो संबंध प्रकट किया जाता है, संबोधन किया जाता है, वह कहलाता है संबोधन कारक। और संबोधन कारक में ये चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, आप इस चिन्ह को देख सकते हैं, और इस चिन्ह से संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया कि अरे भैया क्यों रो रहे हो, तो अरे भैया के पीछे संबोधन कारक का प्रयोग कर दिया गया, तो यहाँ पर जो प्रयोग हुआ वह संबोधन कारक प्रयोग में लाया गया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि हे गोपाल यहाँ आओ, तो यहाँ पर ये चिन्ह प्रयोग किया गया, तो जहां पर ये चिन्ह प्रयोग किया जाएगा वो आपका संबोधन कारक हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते। तो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूं कि आप कैसे कर्ता कर्म करण संप्रदान आपादान संबंध अधिकरण को पहचान सकोगे। तो कर्ता में क्या होता है कि कर्ता जो होता है उसमें ने चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, कर्म में को चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, करण में से के साथ या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है, संप्रदान में के लिए का प्रयोग किया जाता है, आपादान में से मतलब पृथक करने के लिए यूज करते हैं हटाने के लिए, संबंध में का के की का प्रयोग किया जाता है, अधिकरण में पर प्रयोग किया जाता है, संबोधन हे अरे अहो अजीब। तो इस प्रकार से आज आपका कारक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियोस में आपको शब्द पे दूंगा। यदि आपको हिंदी के किसी विशेष टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए या कंटेंट चाहिए वेबसाइट पे, तो आप कमेंट कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो सर्वप्रथम आप पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एवं जितना अत्यधिक हो सके इसे अपने दोस्तों के बीच, अपने कलीग्स के बीच, जो भी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं उनके बीच शेयर जरूर करें।